सत्ता में आने से पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। 2.5 साल सत्ता में रहने के बाद इस नारे में उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली कर दी है और मोदी सरकार का नया नारा है, खाओ पियो ऐश करो। भ्रष्टाचार के नित नए उदाहरण, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार की परतें आए दिन सार्वजनिक जीवन में खुलती जा रही हैं। सबसे ताजा उदाहरण है पद के दुरुपयोग का। अपने ठेकेदार भाई की मदद का और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जिसे नेपको के नाम से जाना जाता है, उसमें 450 करोड़ के घोटाले का। इससे पहले के उस तथ्य की भिन्न भिन्न परतें हम आपके समक्ष रखें, एक छोटा सा ऑडियो किरण रिजिजू जी, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके भाई हैं गोबोई रिजिजू, वो किरण रिजिजू जी के कहने से इस कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट्स लेने के लिए और सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर नेपको के से मिलने के लिए गए, इस आग्रह के साथ कि वो न केवल उस अधिकारी की किरण रिजिजू जी को कहकर प्रमोशन करवाएंगे, उसे लाभ दिलवाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ पूरी पेमेंट्स मिलनी चाहिए। और एक और इस एक ऑडियो टेप जो हम आपको सुनाएंगे उसमें एक और रहस्य की बात है। ये उस समय का ऑडियो टेप है जब अरुणाचल की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र हो रहा था। उस षड्यंत्र की भी कई परतें इस टेप के माध्यम से उनका रहस्य उद्घाटन हो रहा है। मैं इससे पहले के बाकी के तथ्य आपके समक्ष रखूं, उस पूरे 28 मिनट के ऑडियो टेप को हम आपको दे रहे हैं, पर उसमें से लगभग 4.5 मिनट की कन्वर्सेशन हम आपको सुनाएंगे। आप कहेगा आपको डॉक्यूमेंट भी जाते हैं। एवरी बात भी आप कह सकते हैं।
पिछली तारीख के वो कौन लाया, कब लाया, कैसे लाया, वो रिकॉर्ड होगा है ना, तो वो जब भी लाए उस महीने का बिल तो ऑलरेडी ले लिया. ओके, सो दैट ही इज ओवर एंड अबव, यही तो इररेगुलरिटी है, यही इररेगुलरिटी है जिसके लिए विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन है. सी, जनवरी से लेकर के मई तक जो सामान आया उसका बिल हुआ, उसका पेमेंट मिला, वो यूज हुआ, उसको क्रशर में डाला, जी सर, उसको डैम साइड पे यूज किया, जी सर. ये जो बात है जो अभी जमीन पे रखा है, हाँ, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. अच्छा, कब लाया, कैसे लाया, कौन लाया, कुछ नहीं. इसीलिए मैंने दैट इज व्हाई जब बात जब आया है तब भी मत तो बात होने लगा. तो मैंने फिर वहाँ जाके ना बोला रखा हूँ, मैं कैसे बात होता करेगा जी भैया, बोलेगा अभी से मेरे भैया ने पता होता था प्रोजेक्ट बोलो जैसे उसका जगह में है. मैं बोला कि देखो जैसे भी आप लोग को आपसे एक मिलेगा बात करेगा, बोला फिर क्या चीज़ है या तो सर वो रजिस्ट्रेशन मेरे तरह से हो जाएगा ना सर, वो पे करेगा जी सर, उसको बोलो पे करे, वो पे क्यों नहीं करता है, उसका कुछ गलती है इसलिए नहीं करता है. इसी पता नहीं हाँ वो क्यों नहीं बिल करता है, उसका कुछ गलती होगा तभी तो नहीं करता है. जी सर, आपने भी सप्लाई किया है, मैंने कुछ किया सर, आपने भी किया, हाँ मैं ज़्यादा नहीं कह सकते अभी क्योंकि हम उनकी कलेक्शन का साथ में लेना होता है ना. आप तो मतलब क्लास एक कॉन्ट्रैक्टर है, हम क्लास वन ऑफिसर है ना, क्लास वन ऑफिसर, क्लास वन ऑफिसर, जी सर. आपका तो बहुत खराब भी होगा. जी सर, जी सर, मेरा तो सर अभी ये जैसे हंड्रेड करोड़ बोर्ड में काम चलता है ना, लेकिन सर मैं नहीं कर सकता पास तो नहीं, वो दूसरा में तो मिलेगा जी सर, दूसरे टर्म में तो मिलेगा. ऐसा अभी सर ऐसे हालत है सर, अरुणाचल का स्टेट प्रधान वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा जो आता है ना एम जे से का जो प्रधानमंत्री राम साहब का वो क्या एक सेकंड घुसता है, एक सेकंड घुसने के बाद शेयर भी किया मिलियन वो बेस्ट हो. आपने सुना है आपके साथ प्रमोशन भी हो रहा है, आप पता है प्रमोशन भी हो रहा है हमारे साथ, हाँ पता नहीं प्रमोशन हो रहा है हो रहा है हमारे साथ. तो आप मेरा पैसा भी बताइए सर, कुछ होते सर सर आप हमको कुछ भी सर आप आपको बोले जो भी आपको फिर भाई तो सब ये अच्छे का दर्शन वो तो सर आप नहीं हो फ्रॉम वेरी रिस्पेक्टेड और सर वेरी प्रोमिनेंट फैमिली जी सर. यस, आपको खबर दे आपको बोल रहा हूं सर, बहुत अच्छा बात है सर. तो भैया तो सर कुछ हेल्प चाहिए तो बाकी क्या होता है जो उसका सब पॉसिबल होगा आप हमको बोलिए सर, हम आपका जो पॉसिबल होगा सर हम कोशिश करेंगे सर. थैंक यू सो मच. और सर ये जो रुके लग रहा होते हैं ये भी आश्रम के लिए सर बहुत काम के लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं ऐसा भी मिल रहा है. और सर आपका मैं बोल रहा हूँ जी सर, इसका बात नहीं कोई बात नहीं है सर, सर मैं किसान आपका शुक्रिया है सर, उस भैया का काम सर आप बोले अब ऐसे नहीं था नहीं मैंने तो आप मैंने टीवी में देखा सर आप दिल्ली से आप मैं दिल्ली में जाना रिटायर थी सर आपको थैंक यू नहीं सर जो भी हेलो, शुक्रिया दोस्तों. तथ्य बड़े स्पष्ट हैं और वो इस प्रकार से, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट के दो बड़े इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लागू कर रहा है, एक टेंगा नदी पर और एक अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूं तो बिलबोम नदी पर. इस प्रोजेक्ट के चीफ विजिलेंस ऑफिसर सतीश वर्मा जी द्वारा 129 पेज की रिपोर्ट फाइल की गई है जिसमें 450 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का खुलासा किया गया है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की दो बार मौके पर जांच कराई इस 129 पेज की रिपोर्ट के बाद, परंतु कोई एफआईआर दर्ज करने की आज तक कोशिश नहीं की गई। सीबीओ सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर की रिपोर्ट में 5 बातें साफ लिखी गई। नंबर 1, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर जिसमें किरण रिजिजू जी के भाई और किरण रिजिजू जी के नजदीकी सहयोगी शामिल हैं, उन्होंने 80 किलोमीटर दूर तक से, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए बोल्डर्स लाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है और उसके लिए बोल्डर्स या पत्थर आता है। 5 बातें जो स्पष्ट तफ्तीश के बाद उभर कर आई। पहली जो रिपोर्ट में लिखा है कि इन बोल्डर्स और पत्थरों को लाने के बिल जो हैं वो फर्जी भी हैं और कीमत से कई गुना अधिक भी दिखाए गए हैं। दूसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन के चालान है और उसका जो सारा रिकॉर्ड है वो सारा फर्जी है, क्योंकि उसके लिए एक नया तरीका अपनाया गया और वो तरीका क्या है, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर्स जो हैं, जिन गाड़ियों का नंबर दिखाया गया है, वो गाड़ियों के नंबर तफ्तीश में सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर द्वारा स्कूटर, कार और मोटरसाइकिल के नंबर पाए गए ट्रक्स की बजाय। दूसरा, कई रजिस्ट्रेशन नंबर ही फर्जी पाए गए, यानी उस प्रकार की कोई गाड़ी पाई ही नहीं गई। तीसरा, एक ही व्हीकल नंबर और एक ही ड्राइवर एक ही समय पर 70 किलोमीटर दूर से अलग अलग जगह से पत्थर ट्रांसपोर्ट करते हुए दिखाया गया, यानी एक व्हीकल एक जगह से, एक क्वारी से भी पत्थर ला रहा है, दूसरी से भी, तीसरी से भी, चौथी से भी, पांचवी से भी, वही व्हीकल वही ड्राइवर वही समय। चौथी, कई व्हीकल्स के, पत्थर लाने वाले कई व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन नंबर टेम्परेरी पाए गए जिनकी कोई जांच नहीं हो सकी, और लगभग आधे ऐसे चालान्स मिले जिनमें ट्रांसपोर्ट करने वाले व्हीकल का नंबर ही नहीं लिखा गया। एक तफ्तीश में और सामने तथ्य उभर कर आया कि ये सारा बोल्डर जो ट्रांसपोर्ट होता था डैम बनने के लिए, ये सबसे नजदीक यानी 5 किलोमीटर से लाया जा रहा था और 80 किलोमीटर का भाड़ा लिया जा रहा था। प्रोजेक्ट में वेरीफाई करने का कोई सिस्टम मौके पर नहीं पाया गया, इसके बावजूद भी नेपको उन ठेकेदारों की पेमेंट करता रहा। गिरिधर पटवारी जो प्रोजेक्ट के मुखिया हैं, जब उन्होंने इस पर एतराज किया तो भारत सरकार ने उन्हें ओवररूल कर दिया। ठेकेदार को इस प्रकार से उसने मांग की 75.95 रुपया पर किलोमीटर का किराया और भारत सरकार ने उसको दे दिया 60.75 रुपया पर किलोमीटर का किराया। किराया भी अपने आप में बहुत इन्फ्लेटेड पाया गया। जब ये सारा मामला सामने आया और ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की रिपोर्ट पर पेमेंट्स कुछ देर के लिए रोकी गई, तो किरण रिजिजू जी के भाई श्री गोबोई रिजिजू वो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर सतीश वर्मा जी से मिलने जाते हैं और उस टेप के हमने कुछ अंश सुनाए। उन टेप के अंशों से 5 बातें साफ हैं। पहली बात, गोबोई रिजिजू अपने भाई किरण रिजिजू की ओर से और उनके कहने से सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर को इन्फ्लुएंस करने गए कि ये पेमेंट कर दी जाए। दूसरा, उन्होंने ये प्रलोभन भी दिया कि वो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर सतीश वर्मा की प्रमोशन अपने भाई गृह राज्य मंत्री को कहकर करवा देंगे। तीसरा, उन्होंने ये भी माना कि वो ना केवल इस प्रोजेक्ट में सब कॉन्ट्रैक्टर हैं परंतु सैकड़ों करोड़ रुपए के अन्य प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में कर रहे हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि वो किसके संरक्षण में वो सारे प्रोजेक्ट्स लागू कर रहे हैं। चौथा, ये भी बताया
कि किस प्रकार से भाजपा के केवल 11 विधायक हैं, बाकी के जो विधायक हैं वो नवम टुक्की जी की सरकार के खिलाफ हो गए हैं, और किस प्रकार से सरकार तोड़ने का एक ताना बाना बुना जा रहा है। क्या ये सारी इलीगल पेमेंट्स और भ्रष्टाचार की बू आने वाली पेमेंट्स जो ठेकेदारों को हो रही थी, उनका अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त से सीधा संबंध तो नहीं? और आखिरी में उनकी इस विजिट के बाद गृह राज्य मंत्री एक पत्र लिखते हैं, और यह पत्र है 9 नवंबर का, और इस पत्र की भाषा और भी रुचिकर है। उसमें गृह राज्य मंत्री पीयूष गोयल जी को पत्र लिखते हैं, देयर प्ली इज टू रिलीज पेंडिंग पेमेंट ऑफ बोल्डर ट्रांसपोर्टेशन फॉर केमांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज बीइंग अंडरटेकन बाय नॉर्थ ईस्टर्न पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। द फैक्ट्स ऑफ द केस एज नरेटेड बाय द पिटिशनर इन ब्रीफ आर that NEPCO had started Kemang hydroelectric project in Arunachal Pradesh. For this, NEPCO had hired Patel Engineering to do the job. In turn, Patel Engineering had hired the services of local inhabitants for transportation of boulders. The grievance of the locals is that they were getting their dues, but after a while, payments have been stopped, perhaps on behest of CVO, Chief Vigilance Officer, NEPCO. वो ये बताना भूल जाते हैं कि उनके खुद के भाई कोबीबी रिजिजू इसी प्रोजेक्ट में लाभकर्ता भी हैं, ठेकेदार भी हैं और पेमेंट लेना भी चाहते हैं। वो ये बताना भी भूल जाते हैं कि उनके विभाग पर चीफ विजिलेंस ऑफिसर सतीश वर्मा से किरण रिजिजू जी के भाई मिलने गए थे, और वहां उन्होंने ना केवल इस बात के लिए प्रभावित करने की कोशिश की कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर अपना स्टैंड बदल कर ये पेमेंट रिलीज करवा दें ठेकेदारों की, जिसमें उन्होंने 450 करोड़ का के लगभग का स्कैम पाया है, बल्कि ये प्रलोभन भी दिया कि उनके भाई अपने पद का इस्तेमाल कर वो उनको प्रमोशन करवा देंगे। ऐसे में क्या गृह राज्य मंत्री को इस पत्र में नहीं लिखना चाहिए था कि वो ये पत्र केवल उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए नहीं, अपने भाई के लिए भी लिख रहे हैं जो इस प्रोजेक्ट में ठेकेदार है? दोस्तों, एक बात इससे स्पष्ट है कि किरण रिजिजू जी की भूमिका इस पूरे मामले में संदेह के दायरे में है, और उसके प्राइमा फेसी सबूत ये उपलब्ध है। एक दिन भी गृह राज्य मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री जो पारदर्शिता और ईमानदारी की बात करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इसकी जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से करवाएं। तब तक गृह राज्य मंत्री को अपने पद से बर्खास्त करें या उनका इस्तीफा लें। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी आला अधिकारियों जिन्होंने इन सारी गतिविधियों में संलिप्त होकर नाजायज और गलत भारत सरकार के पैसे को नष्ट किया है, उनकी एक व्यापक जांच हो, और उसके साथ साथ क्या ये सारे पैसे का आदान प्रदान जो हो रहा था उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने से है, जैसा संकेत इस 28 मिनट के टेप से मिलते हैं, उसकी जांच भी हो। इसके साथ साथ वो सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो मंत्री जी के भाई एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या उन्हें मंत्री जी के संरक्षण के चलते ये सारे प्रोजेक्ट्स दिए गए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर जो है मामला और संगीन मामला सामने आया है। कई समाचार पत्रों, कई टेलीविजन चैनल्स ने ये सारे तथ्य सामने रखे हैं। उनका ये पत्र मंत्री जी का और उनके भाई और चीफ विजिलेंस ऑफिसर का टेप ये दर्शाता है कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली लगती है, और इसीलिए सच्चाई सामने आए इसकी जांच होनी चाहिए। और जब तक जांच ना हो जाए, मंत्री जी किरण रिजिजू जी को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें अपने पद से पदमुक्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में व्यापक बयान देना चाहिए और बताना चाहिए कि वो इस भ्रष्टाचार के मामले की
जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की, चीफ विजिलेंस ऑफिसर की 129 पेज की रिपोर्ट में यह आया है, वो इसके बारे में क्या कदम उठाएंगे कि प्रोजेक्ट में पारदर्शिता आए। बहुत संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूंगा इन इंग्लिश। An unprecedented case of corruption in a project being executed by North Eastern Electric Power Corporation has come to light. Prime Minister, in the run-up to the election, used to say, "Main khaunga na khane dunga." But successive scams, from the Rajasthan mining scam, from the Chhattisgarh PDS scam, from Vyapam scam, from Lalit Gate, from Vijay Mallya, from waiving of loans of certain corporates, it has now come into light from Gujarat State Petroleum Corporation scam that the new slogan of Modi government is Khao Pio Aish Karo. There are serious facts available in public domain based on a written report of Chief Vigilance Officer of NEPCO, the Northeastern Power Corporation Limited, which indicates a scam of 450 crore rupees. It needs to be thoroughly investigated. I will very briefly say four facts out of those. First, according to CBO's report, the magnitude of the scam could be in the realm of 450 crores. Central Bureau of Investigation has made two surprise checks of the project, but has utterly failed since it has become a puppet of Modi government to even register an FIR, much less investigate the matter. The CBO reports clearly brings out five facts. Firstly, that fake and inflated bills were used by contractors in name of transportation of rocks for construction of dams. And the methodology brought out by CBO is very clear. Vehicles that were used for transportation, for which crores of rupees of payment was made, were actually found to be carrying registration numbers of either scooters or motorcycles or cars instead of heavy trucks. Many of the vehicle numbers were found to be fake. Many vehicle numbers were not even mentioned in the transport challans. Many vehicle numbers had applied for which could not be verified, and many vehicle numbers that were used, It turned out that the driver and the number of the vehicle was the same, and at the same time that vehicle was carrying stones from five different quarries, which was impossible to do. There was no way that the project officers could verify this payment, despite this payment was made. Contractor was made payment at the rate of ₹60.75 per kilometer for transportation of stones. When asked and questioned, they could show no record to the CBO. When head of the project, Mr. Girdhar Patwari, objected to it, he was shunted and was asked to not object to the making of payment. All this was happening as Mr. Gobibi Rijiju, brother of Union Minister of State for Home, Kiran Rijiju ji, had gone to meet the CBO, where four or five facts were clearly recorded. It's a 28-minute tape that we are releasing. First fact was that Gobibi Rijiju was influencing the chief vigilance officer to make and release payment of the contractors which were under question. B, Gobibi Rijiju was using his brother's name, Kiran Rijiju's name, clearly, and was going there or as his brother and on his behalf. 3, he was trying to influence the chief vigilance officer by saying that his brother Kiran Rijiju will use his office to ensure promotion of the chief vigilance officer if he was to cooperate in releasing the payments. 4, it has also come out in the tape that Arunachal government was being at that time toppled, and there seems to be a connection with making of these payments, and were some of these payments used to buy and sell legislator is a matter that needs to be seriously probed. After that, minister writes a letter to Mr. Piyush Goyal where he fails to disclose his personal interest or interest of his brother
कोबी बी रिजिजू इट इज नाउ मोर देन अपेरेंट दैट दिस मैटर नीड्स टू बी सीरियसली प्रोब कंडक्ट ऑफ मिनिस्टर किरण रिजिजू नीड्स टू बी सीरियसली प्रोब इट इज अंडर ए क्लाउड एंड क्वेश्चन अनलेस एंड अंटिल ए फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन इज हेल्ड बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सीबीओ मिनिस्टर हैज since he has been influencing payments through his brother has no right to continue as MOS home even for a day if prime minister has courage of his conviction he must either sack Kiran Rijiju or ask him to resign and conduct a fair and free probe so that truth comes out mr modi's claim of transparency of honesty is now under question people of india are looking as to what action he takes to fairly probe this scam from northeast any questions you welcome sir din bhi ho chuke hain lihaza sawal ye hai ki pradhanmantri kehte hain ki paradarshita hai har cheez ki unke paas knowledge hai power ministry mein chitthi bhi chali gayi jaanch bhi ho gayi kya pradhanmantri ko gyan nahi tha ki tabra ghotala hai aur iske sath juda hua ye sawal hai ki kya sansad mein bhi sara opposition इकट्ठा होके इस मसले को उठाएगा सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर की रिपोर्ट की प्रथम दृष्टि के अवलोकन से साफ है कि पारदर्शिता से भ्रष्टाचार इस प्रोजेक्ट में हो रहा था जब आप ऐसे बोल्डर्स और पत्थर जो शायद ट्रक में भी बड़ा मुश्किल से उठाकर लेके जाए जा सकते हैं और क्रेन से लोड अनलोड होते हैं जब आप उन्हें स्कूटर्स पे ले जाएंगे तो ये साफ है कि भ्रष्टाचार की हदें कैसे पार की जा रही थी इसमें कौन कौन संलिप्त है किस किस का हिस्सा है कितने पैसे का आदान प्रदान हुआ ये पैसा किसको मिला सरकार के किन किन लोगों का इसमें हाथ था मंत्री किरण रिजिजू जी की इसमें क्या भूमिका थी क्योंकि प्रथम दृष्टि से वो टेप और कागज ये दर्शाते हैं कि ये पेमेंट्स दिलाने में और ठेकेदारों को ये पेमेंट करवाने में किरण रिजिजू जी एक सक्रिय भूमिका निभा रहे थे साफ है कि जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे वो सबसे बड़े नॉर्थ ईस्ट के मंत्री हैं तब तक इस व्यापक भ्रष्टाचार के घोटाले की जांच नहीं हो सकती प्रधानमंत्री जी की रेपुटेशन अब कसौटी पर है वो पारदर्शिता और ईमानदारी का दावा तो बड़ा बड़ा करते हैं बड़ बोले भाषण तो बहुत देते हैं क्या वो जांच भी करवाएंगे निष्पक्ष तरीके से अपने खुद के लोगों के खिलाफ ताकि दोषियों को सजा मिले अब ये देखना है संसद से सड़क तक ये मामला उठेगा ये साफ है अरुणाचल में जिस प्रकार से सरकार की को गिराने की साजिश हुई थी अब उस रहस्य की कुछ परतें भी इस घोटाले के अंदर छुपी हैं ये टेप से साबित साफ हो जाता है अब प्रधानमंत्री जी पर है कि वो जांच करवाएं और देश उनसे जवाब मांग रहा है वो देश को जवाब दे सर पीयूष गोयल का एक पत्र है जो उन्होंने किरण रिजिजू को लिखा था जून और जुलाई में इसमें पीयूष गोयल ने खारिज कर दिया पेमेंट करने से इस आधार पे कि बिल को लेकर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो नाकाफी थे इसलिए बिल जो है चुकाया नहीं गया और टोटल जो बिल का दावा किया गया था उसका 60% पहले ही दिया जा चुका था तो लेटर के जवाब में तो पीयूष गोयल का जवाब अगर ये बात सही है तो 80% पेमेंट कैसे कर 60 मैं आपको रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद कह रहा हूं 80% पेमेंट कैसे कर देंगे अगर बड़े बड़े बोल्डर जो ट्रक में नहीं आते वो स्कूटर और मोटरसाइकिल पर लेके जाए जा रहे थे अगर ट्रांसपोर्ट चालान के अंदर व्हीकल्स का नंबर ही नहीं था अगर ट्रांसपोर्ट चालान में लिखे हुए व्हीकल फर्जी थे अगर 5 क्वेरी से एक ही गाड़ी एक ही समय में जो है संभव है बोल्डर्स ले जाई जा रही थी तो पीयूष गोयल जी का मंत्रालय पेमेंट कैसे कर रहा था इसीलिए एक षड्यंत्र की बू इसमें से आती है जांच के बाद सच्चाई का पता चलेगा परंतु हम जुम्मेवारी से एक बात कह सकते हैं षड्यंत्र सामने है कागज और तथ्य सामने है इसके बावजूद भी किरण रिजिजू जी और पीयूष गोयल जी मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे थे इसकी जांच होनी चाहिए अगर वो साफ हैं तो जांच में वो साफ आ जाएगा
परंतु यहां तो पूरी दाल काली नजर आती है प्रथम दृष्टि में, इसलिए जांच होना और ज्यादा आवश्यक है। सफाई आई है कि वो उनके अपने भाई नहीं है, बहुत डिस्टेंट रिलेटिव है, तो उनको इससे जोड़ना ठीक नहीं है, क्या कहते हैं? एंड एडिंग टू इट ही इज आल्सो सेड दैट ही इज नॉट अवेयर अबाउट द कन्वर्सेशन दैट ही हैड विद मिस्टर वर्मा। आप लोगों ने ये टेप सुना और इस टेप की एक प्रतिलिपि हम आपको दे रहे हैं। उस टेप की शुरुआत ये होती है कि बोबीबी रिजिजू, अगर मैं उनका नाम सही ले रहा हूं, वो अपने भाई किरण रिजिजू जी की ओर से सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर से मिलने आए और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर हैं और सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर भी उनको एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य होते हुए सम्मान दे रहे हैं। अब कोई किसी प्रकार की एक्सप्लेनेशंस देकर बचने की कोशिश करे, भाई अब भाई को ना माने, परंतु सच्चाई तो दुनिया के सामने है और सच्चाई का जवाब प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। अगर कोई और तथ्य माननीय मंत्री जी के पास है तो वो जांच में सहयोग करेंगे, वो सामने आ गए। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड, दिस इज एन इशू ऑफ करप्शन नॉट बेस्ड ऑन एलिगेशन बट बेस्ड ऑन ए रिपोर्ट विच रन्स इनटू 129 पेजेस विच इज अ फैक्चुअल रिपोर्ट रिकॉर्डेड बाय द सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर ऑफ ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इट्स टाइम government opposition parties will not only raise it in parliament but will also hold PM accountable to his promise of transparency and honesty both inside and outside parliament. Sir, मुझे वाला जी step की क्या कानूनी सत्यता वैधता है और क्या इसको आप legal तौर पर भी चुनौती देंगे या politically आरोप लगाएंगे? दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या बिजली कह रहे हैं कि इस पूरे मसले पर उन्होंने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते चिट्ठी लिखी थी, इसमें कुछ गलत नहीं है? जहां तक टेप की सत्यता का प्रश्न है, टेप की सत्यता की जांच करेगी एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी, सभी पक्षों को बुलाया जाएगा, दोनों व्यक्ति जिनका इस टेप के अंदर आवाज सुनती है, जिनको मैंने चिन्हित करके बताया है, वो दोनों व्यक्तियों से जब जांच एजेंसी जांच करेगी और उसको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजेगी तो सत्यता सामने आएगी। किसी भी नुमाइंदे को पत्र लिखने का अधिकार है, मैं भी ये मानता हूं, पर उस नुमाइंदे को यह भी बताना चाहिए उस पत्र के अंदर कि वो केवल वकालत नहीं कर रहे, वो अपने भाई जो उस प्रोजेक्ट में ठेकेदार हैं उनकी मदद करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। और क्या ये रूल्स ऑफ बिजनेस और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी के विवेक पर मैं छोड़ता हूं। जवाब दे दिया, जब कोई व्यक्ति किसी आला अधिकारी के पास एक मंत्री के भाई का हवाला देकर जाते हैं और वो आला अधिकारी भी जैसा टेप में है उनको उनके भाई के तौर पर एक प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य के तौर पर सम्मान देते हैं और पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठेकेदार को सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर को एक्सप्लेनेशन देते हमने तो कभी सुना नहीं, तो स्थिति स्पष्ट है। बाकी की बात जांच से सामने आएगी, सच्चाई जांच हो जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी। सवाल यह है क्या घोटाला हुआ? सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर कहते हैं घोटाला हुआ। क्या पत्थर बजाय ट्रकों के मोटरसाइकिल और स्कूटरों पर ले जाए दिखाए गए? सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर की जांच कहती है ऐसा हुआ। क्या पत्थर एक ही गाड़ी में पांच पांच क्वेरी से एक ही समय में ले जाए दिखाए गए? सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर मौके पर जांच करके आए, वो कहते हैं ऐसा हुआ, बाकी जांच से सामने हो जाएगा। क्या फर्जी गाड़ियों के नंबर दिए गए? सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर की जांच कहती है कि फर्जी गाड़ियों के नंबर दिए गए और कई ट्रांसपोर्ट चालान्स में गाड़ियों के नंबर तक नहीं लिखे गए, इसके बावजूद भी भारत सरकार की संस्था ने 60 रुपया 75 पैसे किलोमीटर के हिसाब से
करोड़ों रुपए की पेमेंट कर दी, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर उसमें किरण रिजिजू जी दोषी नहीं है तो सामने आ जाएगा, परंतु प्रथम दृष्टि से जो नजर आता है, जिस प्रकार से उन्होंने पत्र लिखे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने रुचि ली है, जिस प्रकार से उनके भाई गए हैं एक सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर की प्रमोशन तक का प्रलोभन देने के लिए अपने भाई के माध्यम से, उससे साफ है कि दाल में काला है और काले की जांच होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि मोदी जी आजकल काला धन की लड़ाई लड़ने की बड़बोली बातें बहुत करते हैं। काले धन की देशबंदी और उस देशबंदी में नए नोटों के घोटाले के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिम्मेवार है, क्या कारण है? आम जनमानस 2000 रुपए के लिए लाइन में खड़ा है, 100 के करीब लोगों की मृत्यु बैंक की लाइनों में हो गई, भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस का संगठन है उसके प्रमुख कहते हैं कि 20 लाख रोजगार जा चुके हैं देश में, करोड़ों लोगों का धंधा और व्यापार ठप पड़ा है, खेती और मजदूरी त्राही त्राही कर रही है, परंतु आए दिन सैकड़ों करोड़ों की संख्या में नए नोट अलग अलग जगह से पकड़े जा रहे हैं और जो पकड़ा जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो ये पैसा क्या मोदी सरकार की सहमति से काला धन धारकों या नए नोटों का धंधा करने वाले नए दलालों को नहीं मिल रहा? क्या कारण है दो या तीन जगह से ये नोट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास से पकड़े गए? तो भाजपा के नेताओं के पास तो 33-33 लाख रुपए के नए नोट, और इस देश के आम जनमानस के पास 2000 भी नहीं। ये दिखाता है कि काले धन के नए काले दलाल अब इस नए नोटों की दलाली का नया धंधा कर रहे हैं। रणदीप जी, आपने कहा कि किरण रिजिजू को इस्तीफा देना चाहिए, आप जरा ये बता दीजिए कि आप लोग लगातार मांग करते हैं, ललित गेट का इशू आया तो आपने कहा रिजाइन करना चाहिए, व्यापम आया तब आपने कहा रिजाइन करना चाहिए, उसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे रहे जिस पर आपने कहा मोदी सरकार से कि उनके मंत्री को, उनके स्टाफ को, जो संदिग्ध लोग हैं उनको इस्तीफा, इससे क्या उम्मीद है जब आप मांग कर रहे हैं, क्या किरण रिजिजू इस्तीफा दे देंगे? भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रुख बिल्कुल जड़ है। जड़ इसलिए है कि वो उनमें अथाह भ्रष्टाचार सहने की क्षमता हो गई है, और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मोदी जी उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। व्यापम जैसा बड़ा घोटाला जिसमें आजाद हिंदुस्तान में पहली बार 55 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी और लगभग 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 50 लाख नौजवानों का भविष्य दांव पर लगा, शिवराज सिंह चौहान जी खुद मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनसे मोदी जी ने सवाल तक नहीं पूछा। ललित गेट में ललित मोदी को भगा लिया गया और फिर भारत सरकार द्वारा एक भगोड़े को एक विदेशी सरकार से सर्टिफिकेट दिलवाकर पासपोर्ट दिलवाया गया। विजय माल्या ऐश गाह में लंदन में बैठे हैं और यहाँ बैंकों का पैसा वसूल नहीं हो रहा और गरीबों का पैसा बैंकों में जमा हो रहा है। यही राजस्थान के माइनिंग स्कैम की कहानी है, यही गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के घोटाले की कहानी है। इसीलिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार के रहस्य की परतें आए दिन मोदी जी की आंखों के सामने खुल रही हैं, परंतु जैसे सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, प्रधानमंत्री जी को अपनी सरकार में भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, ना लोगों की पीड़ा नजर आती। शायद देर से ही सही वो आंखें खोलें और इन सारे स्कैंडल्स की जो उनकी सरकार में हुए हैं जांच करवाने की पहल करें। Sir, the former finance minister P. Chidambaram speaking in Mumbai today spoke about how demonetization biggest scam of the year, to which Arun Jaitley retorted and said that doesn't behove of the Congress to make such statements because they are uncomfortable as corruption and had peaked during their UPA government term and they never took any steps as far as the corruption and black money is concerned. As demonetization mess
reaches gigantic proportions, leading to contraction of economy, loss of jobs, and a new trade and business in converting old notes into new and selling of new notes to black marketeers. All this is happening under the very nose of Prime Minister and Finance Minister. Are they complicit or are they completely silent? Because even silence is complicity. Why are they not taking action? They cannot indulge in blame game to brush the entire demonetization mess under the carpet. Important questions have been raised in public domain, as Chidambaram ji said. How did 5,88,600 crore rupees extra got deposited in banks in September 2016 immediately on the eve of demonetization? How did out of that 3,20,000 crore of fixed deposits were made between 1st September 2016 to 15th September 2016? How is it that BJP and its leaders deposit crores of rupees into their accounts in the run-up to the demonetization, converting black money or old notes into new notes? How did Bharatiya Janata Party purchase properties across India, examples of some of which we gave from Bihar and Odisha, running into hundreds and hundreds of crores of rupees right before demonetization? All these are questions that Modi ji, as also Jitni ji, needs to answer. Instead of answering those questions, they are trying to brush the issue aside. But people of this country will not let you brush this country aside. गुरु मूर्ति जो कि आरएसएस के थिंकमेंट है, उन्होंने कहा है कि मजबूरी के चलते या कैश की किल्लत ना हो, दिक्कत ना आए, इसलिए 2000 नोट लाया गया है, वरना आने वाले दिनों में 2000 के नोट बंद कर दिया जाएगा। तो आरएसएस के थिंकमेंट बता रहे हैं कि 2000 के नोट बंद हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाएगा। इस देश का दुर्भाग्य है, आपने वाजिब प्रश्न पूछा, इस देश का दुर्भाग्य है कि पहले तो आपने इस देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, रोटी, किसान और मजदूर और छोटे छोटे दुकानदार की रोटी पर प्रहार किया नोटबंदी के माध्यम से, फिर आपने उसे 2000 का एक रंग बिरंगा नोट पकड़ा दिया जो मोदी नोट है, दिखता बहुत अच्छा है, चलता कहीं नहीं, और अब जब लाइनों में खड़े होकर देश के करोड़ों लोगों ने अपना पैसा जमा करवाकर वो 2000 का नोट लिया, तो वो लेने से पहले ही आप फिर नोटबंदी की बात कर रहे हैं। आरएसएस के जो थिंक टैंक है वो मोदी जी के राजनीतिक सलाहकार और गुरु भी हैं, गुरुमूर्ति साहब, उनका ये कहना सरकार की मंशा को दिखाता है कि अब वो 2000 के नोट की भी नोटबंदी करने वाले हैं। 2000 के नोट की अगर नोटबंदी मोदी जी को करनी थी तो इस देश को आपने पिछले 40 दिन से लाइनों में क्यों खड़ा किया है? आप एक और क्रूर मजाक इस देश के साथ उड़ाने वाले हैं। इस देश की करेंसी से लोगों का पहले ही विश्वास उठ गया और मोदी जी और गुरुमूर्ति जी, जो बचा खुचा विश्वास है इस देश की करेंसी में, इस प्रकार के उल जरूर बयान देकर वो भी उठा देंगे। नहीं लगता कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे आने वाले दिनों में सुधर पाएगी इस प्रकार के तुगलकी फरमानों के चलते। तो आपको लगता है कि गुरुमूर्ति जब ये बात कह रहे हैं, सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो क्या आपको लगता है कि आरएसएस सरकार का था? मोदी जी और आरएसएस, उनका रिश्ता प्रचारक और शिक्षक के तौर पर पूरा देश जानता है। जब एक प्रचारक देश का प्रधानमंत्री बन गया है तो आरएसएस अपने आप हावी है। प्रश्न ये है कि सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और अन्य इकोनॉमिस्ट की बात काटने के लिए विशेष तौर से हर टेलीविजन चैनल पर गुरुमूर्ति जी का इंटरव्यू करवाया, और उस इंटरव्यू में जो सरकार द्वारा अधिकृत है ये कहा गया कि 2000 रुपए का नोट भी अब खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी देश को बताएं कि आप इतना क्रूर मजाक फिर करेंगे कि पहले लाइनों में खड़े होकर 50 दिन 2000 का नोट लोग निकलवाएंगे, लाखों रुपया जमा करवाकर 2-2000 रुपया लेंगे, एक ऐसा नोट लेंगे जिसके छुट्टे मिलते नहीं, और अब आप उस नोट की भी नोटबंदी करने वाले हैं। देशबंदी आप कर चुके हैं, अर्थव्यवस्था तोड़ चुके हैं,
हमारी करेंसी से विश्वास खत्म कर चुके हैं, एक नया तुगलकी फरमान 2000 का नोट बंद करके अगर आप लाने वाले हैं तो स्पष्ट तौर से देश को बताएं, अपने राजनीतिक गुरु के माध्यम से मत कहलवाएं, साहस करें सामने आए और 2000 का नोट भी वापस ले लें, क्योंकि लोग फिर दोबारा लाइनों में लग के उसे भी बदलवा लें। Sir, there is a recent development in which one of the key accused in the AW101 Anusha Western scandal, Dido Hashmi, has all of a sudden disappeared from the 84 watch list. How are you reacting to it? This was the man who had made those wild allegations, so to say, with some names which did not come out to issue. Modi government's attitude in investigating the entire Augusta Westland case has been completely dubious and suspicious. May I remind you that movement, that it is the Congress government which introduced the integrity clause which had to be signed by everybody participating in the helicopter contract, which led to finally confiscation of bank guarantees. Movement, a whisper of allegation emerged in a foreign newspaper. The then Defence Minister Shri A.K. Antony handed over the matter to CBI. The then Defence Minister Shri A.K. Antony ordered registration of an FIR through CBI against Augusta Westland. The then Congress government, headed by Dr. Manmohan Singh, proceeded to blacklist Augusta Westland in January 2004. The then Congress government proceeded to confiscate three helicopters delivered by Augusta Westland, which remain in our custody till today. The then Congress government proceeded to file cases in foreign jurisdiction and encashed the entire bank guarantee of Augusta Westland. All this ensured that not a single rupee of loss was caused to the public exchequer. And what did Modi government do after coming to power? They did two things so far. Firstly, Modi government proceeded to undo the blacklisting of Augusta Westland, permitting it to participate in defense contracts. They have not answered the question, why did they do so? What was their connection for showing mercy and concession to Augusta Westland? Number two, Modi government invited Augusta Westland to participate in the helicopters that were being purchased by Navy, which were ultimately cancelled. And number three, Modi government first, an Interpol arrest and a red corner notice was issued at the instance of the government after indictment of Udo Heschke by an Italian court. Then, for some strange reason, the only person who can withdraw that red corner notice through Interpol is the government that had moved it. It is reported and subject to verification. CBI and ED have helped and have written, I am told, and the government must clarify this, to Interpol to withdraw the red corner notice against Udo Heschke. Why is Modi government helping a convicted accused in Augusta Westland case? The responsibility lies at the doorsteps of not only the Prime Minister, but the puppet CBI and the unappointed director of the CBI, who is doing Modi ji's bidding just like he did during Gujarat riots. And that is the only reason why a CBI director has not been appointed. So we have a person heading a premier investigating agency like CBI, as asked by the Supreme Court, on a post which does not exist, because CBI does not have a post of an officiating director. His master's voice, or rather his master's vendetta machine, is doing the government's bidding, planting news stories every day, while actually helping Augusta Westland and the key accused in this case. I think it's time Prime Minister answered the relevant question, why in 30 months no action has been taken against the accused, and why has CBI not done anything?